पापा का बर्थडे में। कहाँ पे जाएंगे? पापा के बर्थडे में। कहाँ पे, कौन सी जगह जा रहे हैं? पापा के बर्थडे में। अरे कहना क्या चाहते हो? रुद्विक एंड फैमिली। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल रुद्विक एंड फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है बच्चों के पापा का बर्थडे। अच्छा, और हम लोग रेडी हुए हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज बाहर फॉर डिनर। बहुत अच्छा लगेगा पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने। लेकिन बुआ नहीं आ रही है आज, बुआ यहीं बैठी हुई है। एंड रिद्धि इज रेडी, आदि इज रेडी। तो ये वाला जो प्लेट है ना बर्थडे केक का, वो हमारे पड़ोस में ही आज एक छोटी सी बच्ची का बर्थडे था तो उसका केक है अभी लेकर आ रहे हैं। अच्छा, और अब हम जा रहे हैं हस्बैंड जी के बर्थडे में। और दीदी को बोला, दीदी लेकिन नहीं आ रही है, दीदी का मन नहीं कर रहा जाने का बाहर। रिद्धि, हम कहाँ जा रहे हैं? जलेबी। क्या बोला तूने? जंगल जलेबी। पापा के बर्थडे में। कहाँ पे जाएंगे? पापा के बर्थडे में। कहाँ पे, कौन सी जगह जा रहे हैं? पापा के बर्थडे में। अरे जा कहाँ रहे हैं? बर्थडे में तो जा रहे हैं, लेकिन किस जगह जा रहे हैं? जंगल जा। जंगल जा। अरे जंगल जलेबी ना कि जंगल जा। जंगल जा। क्या बोला तूने? आदि कह रहा जंगल के जलेबी जा। आदि को नाम नहीं आ रहा, सुबह से ये बोल रहा है हम जंगल जा रहे हैं आज जंगल। तो अब हम तैयार हो गए हैं क्योंकि मेरे बर्थडे के दिन भी हम लोग जंगल जलेबी जाने वाले थे, लेकिन रोड के खराब होने की वजह से हम लोग अपने लोकल वाले ही रेस्टोरेंट में चले गए थे। और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं जंगल जलेबी को। अच्छा, रिद्धि ने ना मुझे अपने पिगी बैंक में से निकाल कर अब पैसे दिए हैं पापा के लिए गिफ्ट लेने के लिए, और ये पापा को भी पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम एक शॉप में रुकें और पापा के लिए। अच्छा, तूने मेरे पर्स से पैसे निकाल दिया? मैं तब से ढूंढ रही हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मैंने पैसे कहाँ रखे? 200 रुपीज। इसने पता आपको बता के बोला था मैंने। अच्छा, और इसने मेरे पर्स से निकाल दिया, मुझे पता ही नहीं है। बताया भी था लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं है। तो चलो, हम लोग तो रेडी हो चुके हैं। आज पापा जी लेट हैं। हाँ, तो मैं दिखा दी पापा जी कैसे लग रहे हैं। सो हैप्पी बर्थडे हस्बैंड जी। थैंक यू मैडम। आदि कह रहा था आज हम जा रहे हैं जंगल के जलेबी बनाने। क्या कह रहा था? चले। ओके। सो फ्रेंड्स, आपको पता है टाइम हो रहा है रात के 8:30। अच्छा, और अभी तक हम लोग निकले भी नहीं है क्योंकि आज ना पापा जी खुद ही लेट कर रहे हैं अपने बर्थडे के दिन हमको। क्या बोला तूने? तो चलो चलते हैं। हम पेस्ट्री लेने जाएंगे कुछ नॉन स्वीट में, आप बताना। हमको सिखा रिया है। सो वैसे तो रिद्धिमा के एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन कल रिद्धि की छुट्टी है, इसलिए हमें टाइम मिल गया कि आज हम जा सकते हैं। और परसों जो इसका एग्जाम है ना, उसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर आने वाले हैं, और वो है कंप्यूटर का एग्जाम। इससे पहले इसके 2 एग्जाम हो चुके हैं, ईवीएस एंड हिंदी। पहले हिंदी, फिर ईवीएस था, अब कंप्यूटर। तो एग्जाम्स के बीच में बर्थडे सेलिब्रेशन करने हम जा रहे हैं बाहर जंगल जलेबी। चलो चलते हैं। दीदी नहीं यार, मेरे लिए हो जाता है ये दीदी वाला केक खाने वाली है, इसलिए दीदी आ नहीं रही है शायद, क्योंकि उनका खाने का मूड नहीं है इसलिए। तो चलो हम तो चलते हैं क्योंकि बच्चों को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, और इसी बहाने हमको भी मौका मिलता है बर्थडे वर्डीज के थ्रू। और इन्होंने मेरी सीट हड़प लिया यार, इन बच्चों ने तो मेरी सीट कब्जा लिया बिल्कुल ही। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हेलो हेलो, अभी बर्थडे बोल रहा भाई। मम्मी रुको, इनका बर्थडे आज ही नहीं है। कब आ रही है? चल चले, अभी लाएंगे, कुछ चीजें है ही नहीं यार। सो ये एक बहुत ही प्यारा सा डॉगी है जो यहीं लोकल में रहता है, और रिद्धि आदि उसको कुछ ना कुछ देते रहते हैं हमेशा। लेट हो रहा है। तो वो अभी मिल गया अचानक से यहाँ पे। वैसे इसके 2-3 बच्चे भी हैं, और ये बहुत स्वीट है, बिल्कुल किसी को काटती वाटती नहीं है। इसके बच्चे भी बहुत स्वीट हैं, और कभी भी हमारे घर में जाते हैं और ये बच्चे इनको रोटी या कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। अभी तो कुछ है नहीं खाने के लिए, और देखते हैं कुछ मिलेगा तो लेकर आएंगे इसके लिए। चलो, लाइट चल रही है रिद्धि, बताओ तो। रेड लाइट। आदि गाना गाओ रेड लाइट वाला। रेड लाइट। शर्म आ रही है। शर्माओ मत बेटा, बोलो। तो बहुत ही शर्मा रहा है वीडियोस में। मम्मी ने भेजेगी, बोलो रेड लाइट रेड लाइट। व्हाट? कौन सी लाइट आ गई? ग्रीन लाइट। और ग्रीन लाइट क्या कहती है? ग्रीन लाइट से आई से गो राइट अवे। वेरी गुड। ये आदि को भी बता दिया। गुंदन की दुकान कौन सी है? रुको
आप बताना पापा जी, आप बताना भाई। हाँ लो, मैं इधर को मोड़ ले रहा हूँ यार। तो रिद्धि को कुछ चाहिए पापा के लिए, और रिद्धि चाहती है पापा ना आए, हम दोनों अकेले जाएं। वो पापा कह रहे पैसे हैं। रिद्धि तुम्हारे लिए पिगी बैंक से लेकर आई है अपने पैसे। चलो कुंदन स्वीट्स, चलो पहले ही अंदर पहुंच गए हैं। सो फ्रेंड्स, रिद्धि की ना फ्रूट एंड नट वाली चॉकलेट तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम कुछ इस टाइप का गिफ्ट देख रहे हैं पापा के लिए। मम्मी एक आधी की तरफ से, क्या आधी दे देगा ये, मैं दे दूंगी, कितने रुपए का? अब एक शांति से होगी, एक चीज दोगे क्या बताओ ना? ये सस्ता है, 90 रुपीस का, और ये 150 का, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है। क्या चाहिए? मिंटोस नया स्नैकर्स। अंकल और दो स्नैकर्स भी दे देना, मतलब ईद वाले पे अंकल। अच्छा, इसका गिफ्ट आराम से आराम से आराम से इसको भी रख दे। गॉड, सो हमने ले लिया है गिफ्ट और केक वगैरह, और अब हम जा रहे हैं सीधा जंगल जलेबी। हमें जाना है यहाँ, ये है जंगल जलेबी, और इसको हम फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने वाले हैं, और काफ़ी रश हो रहा है यहाँ, तो ये पहुँच गए पहले ही। और चलो फिर हम लोग पहुँच गए जंगल जलेबी, और आदि भाग गया आगे। तो चलो ये ठीक है, यहाँ पे लाइट भी चली है, रिजर्व्ड है ये, रिजर्व्ड रिजर्व्ड, मतलब किसी ने ऑलरेडी रिजर्व कर रखा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ का जो मेन्यू सिस्टम है ना, वो स्कैन करके हमको मिलेगा। क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इसको मैं स्कैन करती हूँ। हाँ, दिस पेज सिस्टम। अच्छा सीधा पहले ही पहले रेटिंग लग रहा है। अच्छा ये रेटिंग वाला है, मुझे लगता है यहाँ पे जाना पड़ेगा मेन्यू के लिए, ये वाला स्कैन है। हाँ दोनों स्कैनर सेम नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरे मेन्यू की लिस्ट ओपन हो चुकी है, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ वेज स्टार्टर्स वगैरह, एंड चलो फिर ऑर्डर करते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ का स्पेशल। चलो, यह रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, और अभी हमने स्टार्टर्स एंड डिनर ऑर्डर भी कर दिया है, तो अभी हम केक काटने वाले हैं, और रिद्धि आदि को बेचैनी हो रही है, ये पूरा जंगल जलेबी घूम के भी आ चुके हैं। अच्छा अच्छा, तो रिद्धि आदि को बार बार घुमा के लेकर आ रही है। ये मैंने चूज किया। Happy birthday to you. रिद्धि ने अपना गिफ्ट दे दिया है पापा को, और रिद्धि बता दी कि मैंने अपने पैसों से लिया है ये चॉकलेट्स जो लेकर आई है रिद्धि, और बादाम मिल्क पापा के लिए, पापा को पसंद है वो चीज़ें इसलिए। तो चलो अब हम केक एंजॉय करते हैं, आदि को बेचैनी हो रही है, चलो केक खाते हैं। सो फ्रेंड्स, आदि बहुत परेशान कर रहा है, एक जगह नहीं रह रहा है ना, अभी एक जगह नहीं रह रहा है इसको, बस घूमना है यहाँ पे, बहुत इंजॉय करना है इसको, काफ़ी अच्छी खुली जगह दिख रही है ना यहाँ पे, इसलिए। अच्छा, केक विद चॉकलेट केक। ओह, सो ये है चीज़ी सोया चाप टाइप कुछ फॉर रिद्धि, पापा जी सर्व कर रहे हैं अपने बर्थडे के दिन। सो ये चीज़ी सोया चाप तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, सच में बहुत टेस्टी है ना। अच्छा तो ये है ये बोनलेस है, ये ग्रिल्ड नहीं 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 क्या नाम था बोनलेस होता बेटा, ये चिकन बोनलेस चिकन है, ये ग्रिल्ड वो भी, चलो खाओ। सो फ्रेंड्स, हमारा डिनर भी आ चुका है इनके नॉनवेज के साथ साथ, तो हमने मंगाया पनीर लबाबदार एंड रोटी, सिर्फ दो ही रोटी मंगाई क्योंकि पेट फुल हो चुका है अब इसलिए। फ्रेंड्स, डिनर हो गया है और सब्जी थोड़ी बच गई तो मैंने पैक करा ली है, एंड अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम निकल चुके हैं, और पूरा हाईवे में है ये, काशीपुर रोड में, चलो आप चलेंगे यहाँ से। सो फ्रेंड्स, 11 बज चुके हैं और हम अभी घर नहीं पहुँचे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं घर, आदि कह रहा है मेरी नींद खराब कर दी क्योंकि इसको गाड़ी में नींद आ गई थी इसलिए, और यहाँ पर बुआ लेटी है, सोई नहीं है अभी,
आदि चला गया सीधा बुआ के पास और हम लोग करते हैं अब ड्रेस चेंज। काफी अच्छा था जंगल जलेबी, काफी ब्यूटीफुल बना हुआ था, बहुत ही ऑसम, खाना भी बहुत अच्छा था, टेस्टी था एकदम, और अच्छा लगा। बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया, इसी बहाने आउटिंग भी हो गई। हमें एक्चुअली बाहर जाना ज्यादा पसंद है, तो इस बहाने बाहर आउटिंग भी हो गई। और बस आदि ने आज बहुत परेशान करा हमको। रिद्धि अपने सीधे कपड़े चेंज कर रही है और पहन रही है मेरी ड्रेस, क्योंकि इसको वो वाली ड्रेस ना काफी अच्छी लगती है। आपको दिखाती हूँ अभी। आप कर सकते परेशान, क्योंकि हाँ, क्योंकि खाना तो ठीक से खाया नहीं है, इसलिए पानी पी पी के उसने पेट भरा है। कुछ एक चीजें खाई थी, बहुत ज्यादा नहीं खाई उसने। और चलो अब रिद्धिमा ने ड्रेस पहन ले, दिखाती हूँ। रिद्धिमा 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 नहीं पहना अभी। सो ये वाली जो ड्रेस है ना, ये मेरी है और रिद्धि को इतनी पसंद है, बस वो कहती है मेरे को दे दो, और आती भी है उसको, फिट ही आती है ऑलमोस्ट। आपको दिखाते हैं। हाँ रिद्धिमा, ये देखो ये देखो इसका झगुला। तो आज वीक के ड्रामे हो रहे हैं यार, ड्रामे। बुआ से पूरी मेहनत करवा रहे हैं। आदि ये ड्रेस चेंज, नींद आ रही है, नींद। फ्रेंड्स आदि को नींद आ रही है, लेकिन उसको दवाई खानी है, क्योंकि आदविक के इधर यहाँ पर टॉन्सिल हो गया और ये सूज गया, ये वाला एरिया, इसलिए ये ऑटन बन गया। और डॉक्टर ने कहा अगर 3 दिन में ये ठीक नहीं होगा ना, तो उसको इंजेक्शन लगेंगे। उसको 3 दिन हो चुके हैं, उसको कल इंजेक्शन लगने वाला आदि। चलो दवाई खाएगा। अरे कौन सी खाओगी ये? सबसे अच्छी वाली दवाई, ठीक है। आदि बुआ के साथ सो रहा था, जल्दी से पानी फिनिश करो। फिनिश करना, बिल्कुल बिल्कुल, निकल देना निकल देना। वेरी गुड। मुझे भी कौन सा पसंद है? अब आदि की फेवरेट वाली। ये फेवरेट नहीं है। मुझे पहले बोल रहा है ये वाली मत पिलाना, है ना? तो मिस रिद्धिमा, परसों आपका एग्जाम है कंप्यूटर का, तो लर्न कर लेना, ठीक है? आदि तो बिल्कुल नींद के नशे में ही है, क्योंकि उसको नींद आ रही है आप दवाई खा के। चलो सो जाओ। सो फ्रेंड्स, आदि ने दवाई भी खा ली और इतना आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी, इसलिए वो स्टडी कल करेगी। और अभी ये सब सो रहे हैं यहाँ पर और हम भी जाते हैं, रेस्ट करते हैं। तो ये वाला व्लॉग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। बहुत छोटा सा व्लॉग बनाया मैंने अपनी मेमोरी को सेव करने के लिए, कि हम पापा का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए। तो चलो इस वाले व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे इसी तरह और भी अच्छी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।